नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर बोला हमला। लोकसभा में कहा आखिर कल ही आ गया भूकंप। नोटबंदी को बताया सही समय पर लिया गया फैसला, कैश लेन देन से होता है भ्रष्टाचार। संसद में पीएम के बयान पर भड़का विपक्ष। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम पर कसा तंज। कहा प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आई आपदा का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है उनके पास। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा 11 मार्च को आएगा भूकंप। शिवसेना ने बीजेपी को दिया झटका। हार्दिक पटेल को राज्य में चुनावी प्रचार अभियान का बनाया चेहरा। गुजरात विधानसभा चुनाव में शिवसेना के सीएम पद के उम्मीदवार होंगे हार्दिक। गाजियाबाद में बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा सपा सरकार में गुंडागर्दी चरम पर, केंद्र सरकार ने अब तक अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी मनोज गौतम के भाई की गोली मारकर हत्या। बुलंदशहर की खुर्जा विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं मनोज गौतम। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। और अफगानिस्तान के काबुल में सुप्रीम कोर्ट के पास आतंकी हमला। कोर्ट के पार्किंग एरिया में हुए विस्फोट में 12 लोगों की मौत, कई घायल। अब तक किसी भी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। ये तो हुई अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।